केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। डीजीसीए के मुताबिक डिजिटल डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी हादसे वाली जगह पर मिल गए हैं। डीजीसीए ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड्डयन मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए दो टीमें कोझिकोड पहुंच चुकी हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौटा था। विमान में 190 लोग सवार थे जिसमें 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री, 4 केबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। वो बहुत ट्राई किया, एक बार जब तुरंत वो ट्राई किया नीचे उतरने का, फिर उसको सिचुएशन बराबर नहीं, फिर भी उठ गया। सेकंड टाइम उठने टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे हैं, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्तन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्तन। उसी में सडन ब्रेक हो गया, सब लोग बेल्ट पहनता था, सब लोग हम लोग क्या की कर दिया, सामने का इस सीट में हाथ दे के उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश किया। अभी क्या गर्तन में चला गया, फ्रेट आधा हो गया, ओपन हो गया। कोझिकोड एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुआ है कल, उसमें 19 लोगों को मृत्यु हो चुका है। इसमें से 2 पायलट है और एक माँ और 1 साल की एक बच्चा भी है। इसी दुर्घटना को DGCA ने इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। अभी यूनियन मिनिस्टर मुरलीधरन करीपुर पहुंच चुका है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन भी इधर आने वाले हैं। अभी 13 अस्पताल में बाकी लोग जो इस दुर्घटना में उसका इंजर्ड हो गया है, वो 13 अस्पताल में अभी ट्रीटमेंट में है। इसमें 15 लोग का जो इंजरीज थोड़ा सा सीरियस है, बाकी 123 ट्रैवलर्स उसका माइनर इंजरीज है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये उनका ये एक्सपेक्टेशन है कि कैशुअलिटीज़ और इंक्रीज नहीं करेगा। और आज इस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये दुर्घटना कैसा हो गया, और इसके लिए जो DGCA का एक्सपर्ट्स है वो इस एयरक्राफ्ट वगैरह को इंस्पेक्ट करेगा। इसमें से एक बात यह है कि जो मौसम बहुत ख़राब दे, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम दे, इसके वजह से जो पायलट वेरी बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट दे, जो पहले एयरफोर्स का पायलट भी थे दीपक साथे, वो उनकी विजिबिलिटी कम हो गया। फिर उन्होंने ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के लिए भी कोशिश की। इसलिए इधर का एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इतना एक्सपीरियंस्ड पायलट है दीपक साथे, इसलिए दुर्घटना में कैशुअलिटी का नंबर कम हो गया है। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी, पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पर फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक लाने रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए, लोगों का भी सहयोग रहा है। और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं अभी खुद जा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में
हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो दो टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। ये जो हादसा हुआ, विमान हादसा, बड़ा हादसा है, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, दोनों कप्तान जो हैं, एक तो बहुत ही सीनियर कैप्टन है और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जो थे, कल की एक तो बता दें, इस हवाई अड्डे में 9000 फीट के आसपास का हवाई अड्डा है। कल का मौसम बारिश का, भयंकर बारिश था और एक बार मिस्ड अप्रोच हुआ, फिर दोबारा उतरने का प्रयास किया कप्तान ने, और परिस्थितियां क्या थी उस समय उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन संभावित तौर से क्योंकि बारिश अधिक होने के कारण और हो सकता है उस समय विंड शेयर भी मिला हो। विंड शेयर एक ऐसा विषय होता है जो जहाज के उतरते समय वायु का दिशा बहुत जोर से बारिश के समय बदलता है, जिसके कारण जहाज अपने आप गिरता है। दूसरी संभावना है कि क्योंकि उतरने आ रहे थे तो पावर इतना कम था कि वो फिर दोबारा अगर उड़ने का उन्होंने प्रयास किया होगा, वापस गो अराउंड करने का, तो उसकी संभावना थी। और तीसरा है कि पूंछ की तरफ से हवा का वेग अगर मिलता है तो कई बार जहाज अपने स्थान से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि ये कप्तान बहुत अनुभवी थे, इसलिए ये मानना कि उन्होंने परिस्थितियों को नहीं समझा होगा ये बिल्कुल अनुचित होगा। लेकिन कई बार कप्तान के प्रयास के बाद भी ये दुर्घटना है और दुखद है और संवेदना है कप्तानों के परिवारों के प्रति, कप्तानों के प्रति और उन यात्रियों के लिए जो जख्मी हुए, जिनकी मृत्यु हुई। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। खबर आ रही है कि विमान के पायलट दीपक वसंत साठे की सूझबूझ से विमान में सवार 190 में से 172 लोगों की जान बच गई। पायलट दीपक वसंत साठे के साथ सहायक पायलट अखिलेश शर्मा ने भी यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो यात्रियों की जान बचाने के लिए दरअसल ये जावास पायलट जो हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। 190 में से 172 लोगों की जान बच पाई है सूझबूझ की वजह से। नहीं तो अगर अमूमन देखा जाता है कि जब फ्लाइट जो है क्रैश होता है तो उसमें कई बार आग की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, वो संभावना यहाँ पर नहीं पैदा हुई, जिसकी वजह से 172 लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी जान बच गई है। हालांकि 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से ये दो पायलट भी हैं। हालांकि आज हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है, क्योंकि इनकी सूझबूझ वक्त रहते ही काम आई और उसकी वजह से 172 लोगों की जान बच पाई है। केरला के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। उनमें से एक है विमान के पायलट दीपक साठे, और दीपक साठे मुंबई के चांदिवली इलाके के इसी इमारत में रहते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि विमान का हादसा हुआ है, जिसमें दीपक साठे जो खुद पायलट रह चुके हैं और एयरफोर्स के जाबाज ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी इस विमान हादसे में घायल हो चुके हैं, तो उनके परिवार वाले जो है वो आज सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट लेकर केरल पहुंच चुके हैं और दीपक साठे जो है उनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। परिवार वाले जो उनकी पत्नी और उनके पत्नी के जो भाई है वो सुबह 4 बजे ही केरल पहुंच चुके हैं और ये विमान हादसे को लेकर उनकी इमारत में रहने वाले उनके जो नेबर्स हैं काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं। मैं अब बोला नहीं जाता मेरे से, बस परमात्मा क्या बोल सकते हम भी, बस अपने आई कार्ड से मोड़ परमात्मा, वो अच्छे लोग देखे नहीं जाते, क्या कर सकते हैं। हादसे के शिकार विमान के सहायक पायलट अखिलेश शर्मा माथुर भी मथुरा के रहने वाले थे। हादसे में उनके निधन के बाद उनके परिवार में मातम छा गया है। सर नेचर बहुत ही विनम्र था अपने परिवार में, एकदम बोला अच्छा व्यवहार था। 2017 में इनकी जॉइनिंग हुई थी। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में एक टोटल 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, 1 बहन है, बड़ी सिस्टर है, उसके बाद अखिलेश भैया हैं, उसके बाद 2 छोटे भाई और हैं। अब शादी कब हुई थी इनकी? शादी इनकी लगभग 2 साल होने को हैं, दिसंबर 18। पर बच्चा भी है परिवार में? नहीं, बच्चा अभी नहीं है, लेकिन डिलीवरी होने वाली है 15 दिन 10 दिन आदि जो भी है।
हालांकि यात्रियों की जान यहां पर बची है, 172 लोग जिनकी जान बच पाई है इन पायलट्स की सूझबूझ की वजह से। हालांकि इससे पहले भी लैंडिंग की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है वहां पर काफ़ी बारिश हो रही थी रनवे पर, पानी होने की वजह से फिसलन वहां पर ज़्यादा थी और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं, कहीं बारिश का पानी भरा हुआ है तो कहीं बांध टूटने से भी तबाही मच चुकी है। बारिश से बर्बादी की कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर आ गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू और घाघरा नदी में आई बाढ़ की वजह से तटबंध जो है वो टूट गए। वहीं कर्नाटक के बेलगावी और केरल के एर्नाकुलम में भी बारिश की मार बाढ़ बनकर लोगों पर टूट पड़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर, गुजरात के जूनागढ़ और कर्नाटक के कोडगू में भी बाढ़ के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जरूर हैं लेकिन कमोबेश तस्वीरें जो हैं वो एक जैसी ही नजर आ रही हैं, यानी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर जो तटबंध हैं वो टूट गए हैं, नदियां उफान पर हैं और लगातार बारिश होने की वजह से जो पानी का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर रिहायशी इलाके जो हैं वो पानी की चपेट में आ गए हैं, निचले इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो आधा हिंदुस्तान जो है वो बाढ़ की चपेट में है। लोग पहले स्थिति को देखते हुए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर चले गए लेकिन कुछ लोग अभी भी प्रशासन की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। और अभी तस्वीर गुजरात के गिर की, जहां सोमनाथ में बाढ़ के पानी के बीच से निकलने की कोशिश कर ट्रैक्टर सवार तेज बहाव में फंस गया। बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर ही पलट गया और ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रॉली पर जाकर अपनी जान बचाई है। ये लोग कई घंटे तक पानी के बीच ऐसे ही फंसे रहे। बाद में मशीन और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर पर सवार लोगों का बाढ़ के पानी के बीच से रेस्क्यू किया गया, उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। तो गिर सोमनाथ की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए पानी का बहाव इतना तेज कि कोई भी वाहन लेकर अगर वहां से गुजरता है तो वो अपनी जान को जोखिम में डालेगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर भी सामने आई, तेज बहाव में ये ट्रैक्टर जो है फंस गया। काफी देर तक ये लोग ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर ऐसे ही बैठे रहे, मदद की उम्मीद कर रहे थे। काफी देर बाद वहां जब क्रेन पहुंची है तो इन्हें सुरक्षित निकाला गया है। वहीं बिहार के समस्तीपुर में बागमती नदी ने हाहाकार मचा दिया है। बारिश के साथ बाढ़ की मार से कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। पानी के तेज बहाव में कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि पिछले 24 घंटे से बारिश में कुछ कमी आई है लेकिन बाढ़ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कई जगहों पर बांध तोड़कर निकला पानी सड़कों के ऊपर भी तेजी से बह रहा है। पिछले कुछ दिनों में बागमती नदी में इतना पानी भर गया उसकी वजह से इलाके में कि कई लोग अब अपने घर को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं लेकिन लोगों को अभी भी प्रशासन से राहत मिलने का इंतजार है। लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से अब दिक्कतें ये हैं कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, सुरक्षित जगह भी उन्हें तलाशना अब कठिन हो रहा है। हालांकि पानी का बहाव जरा आप देखिए कितना तेज है, अगर इस बीच कोई फंसता है तो वो अपनी जान गंवाने की स्थिति में आ सकता है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज कि हर कुछ अपने साथ ये पानी बहाती हुई नजर आ रही है। बागमती नदी जो है वो उफान पर है, कई गांव फिलहाल पानी में डूब चुके हैं। ओ माय, बांध के बगल से पानी ओवरफ्लो होकर के बह रही है। ऐसा लग रहा है बागमती नदी का जो मुख्य धारा है वही यहाँ पर है, जिसके कारण आप देख सकते सामने में जो मकान था, नया मकान का निर्माण हुआ था, वह मकान ध्वस्त हो गया है इस पानी के तेज प्रवाह के कारण। और ये रामपारण गांव है और बीच गांव से इस तरह का प्रवाह हो रहा है और गांव को इस बागमती नदी के जलधारा ने दो भाग में बांट के रख दिया है और काफी लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश के बीच आए हाईटाइड की वजह से समंदर का पानी गांवों में घुस गया। हालांकि प्रशासन और गांव वालों ने समंदर के पानी को गांव में घुसने से रोकने के लिए गांव की सीमा पर रेत और मिट्टी से भरी बोरियों की दीवार खड़ी की थी लेकिन समंदर की लहरों के तेज बहाव में ये दीवार ढह गई और समंदर का पानी गांवों में घुस गया। निचले इलाकों में बने कई घरों में भी समंदर का पानी पहुंच गया जिसकी वजह से अब लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। घर में रखा जो सारा सामान है वो पानी की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में न सिर्फ रहने की दिक्कत उनके सामने इस वक्त खड़ी हो गई है बल्कि क्या खाएं ये समस्या भी गहराती जा रही है। राशन बह चुके हैं, घर में रखे सामान बह चुके हैं और ऐसे में लोग
अपने घरों के मकान पर खड़े होकर पानी का स्तर कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर नदियां उफान पर होने की वजह से, तेज बारिश होने की वजह से पानी का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब एक चुनौती उनके सामने भी कि आखिरकार कब तक वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। वहीं केरल के वायनाड में बारिश और बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान पानी में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। वायनाड में एक पुल टूटने की वजह से कुछ लोग फंस गए थे। इसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और रस्सी का एक जाल का झूला बनाकर लोगों को नदी पार कराने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद लोगों को एक एक कर पहाड़ी नाले को उन्हें पार कराया गया एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। वहां पर पानी का बहाव आप नीचे देखिए कितनी तेज ये पानी बह रहा है। थोड़ी सी चूक, एक जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है और इस बात का आभास वहां रह रहे जो लोग हैं उन्हें भी था और ये जो टीम उनको रेस्क्यू करने पहुंची थी उन्हें भी इस बात का आभास था। इसलिए पूरी ही सावधानी के साथ इन लोगों को सुरक्षित यहां से निकाला गया। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ खिसकने से मलबा सड़क पर आ गिरा। यह हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ। पहले पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर गिरने शुरू हुए और जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक तेजी से पत्थर नीचे गिरने शुरू हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे के समय उस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, लेकिन पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से ये मलबा जो है वो सड़क पर आकर इकट्ठा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हो रहा था वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं उनकी आवाजाही ज़रूर ठप हुई है। हालांकि टीमें वहाँ पर मौजूद हैं जो कोशिश कर रही हैं जल्द से जल्द इस मलबे को सड़क से हटाने की, ताकि आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चल पाए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरयू और घाघर नदियां जो हैं, घाघरा नदी, वो बाढ़ की वजह से उफनाती जा रही हैं, जिसकी वजह से अब दिक्कतें लोगों की बढ़ती जा रही हैं। तमाम तैयारियां जो की गई थी उसके बावजूद नदियों का तटबंध बाढ़ के पानी को रोक नहीं पाया और बाढ़ का पानी बांध तोड़कर गांवों में अब घुस चुका है। हालांकि लंबे समय से सरकारी अफसर बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दावा कर रहे थे, लेकिन बाढ़ के तेज बहाव में 50 मीटर तक तटबंध टूट गया और अब घाघरा के पानी ने खेतों की जमीन को भी काटना शुरू कर दिया। घाघरा का पानी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और बाढ़ की मार से बचने के लिए लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। उधर कर्नाटक के कोडगु में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। वहां सड़कें कमर तक पानी में डूब गई और लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल हो गया। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कॉफी के बागान डूब गए। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 11 अगस्त तक अभी और बारिश होगी। राज्य के कई इलाकों में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसके मद्देनजर लोगों से भी आह्वान किया गया है कि वो जल्द से जल्द अपने उस इलाके को छोड़कर जहां पर बाढ़ का ज्यादा खतरा है सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने अब ये सवाल खड़ा है कि आखिर वो अपने आशियाने को छोड़कर जाएं तो जाएं कहां। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में बहने वाली बूढ़ी गंडक और बया नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बूढ़ी गंडक से जुड़े तरहुत नहर का बांध टूटने के बाद पानी पंचायतों में फैल ही रहा है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ की वजह से कई गांव जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लोगों को वहां से निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। टीमें वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं लेकिन पानी का स्तर बहुत ज्यादा है और ऐसे में लोगों तक मदद पहुंच पाए ये थोड़ी चुनौती का काम जरूर टीमों के लिए है। इसलिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक या सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जाए। वहीं केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से मलबे में दबने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ के साथ पुलिस और दमकल के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जबकि 10 लोगों को मलबे से बचाया जा चुका है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो केरल की तस्वीर आप जहां देख रहे हैं, 21 लोगों की मौत हुई है मलबे में, अभी और लोग फंसे हो सकते हैं। जमीन खिसकने से दरअसल यह हादसा हुआ है। 21 की मौत की जानकारी अब सामने आ रही है और अभी कहा जा रहा है कुछ लोग और होंगे जो मलबे में फंसे हो सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू का काम भी यहां पर चल रहा है बड़ी ही सावधानी के साथ कि अगर कोई इस मलबे में दबा हो तो उसे सुरक्षित बचा लिया जाए। जमीन खिसकने से दरअसल यह हादसा हुआ है, हालांकि मुआवजे का ऐलान भी यहां पर हो चुका है। हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त चल रहा है मलबे में। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो दबे हों। हादसे की जानकारी मिलते ही NDRF के साथ पुलिस और दमकल के जो कर्मचारी हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 10 लोगों को मलबे से बचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। और इसी के साथ साथ अभी पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग भी इस मलबे में फंसे हों उन्हें निकाला जाए। लेकिन जैसे तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पानी भरा हुआ है कई जगहों पर, मिट्टी जो है वो भी धंसती जा रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को भी करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। और इसीलिए बड़ी ही सावधानी के साथ मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई भी इस मलबे में फंसा हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके। 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच बड़ी खबर, ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत मामले में अब तक की तफ्तीश के मुताबिक ईडी को अब तक की जांच के दौरान रिया के खातों में 15 करोड़ नहीं मिले हैं। ईडी सूत्रों का मानना है कि इसका मतलब पैसे कहीं और भी ट्रांसफर हुए हैं। सुशांत के जिन जिन बैंकों के खाते हैं वहां के बैंक कर्मचारियों से भी ईडी जल्द पूछताछ करेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 15 करोड़ जिसकी तलाश हो रही थी वो फिलहाल, अभी जानकारी सामने आ रही है कि रिया के खातों में वो 15 करोड़ रुपए नहीं है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि वो 15 करोड़ जिसको लेकर ये कहा जा रहा था ये पैसे कहां गए हैं, ये आरोप लग रहे थे कि रिया के अकाउंट में हो सकते हैं, लेकिन अभी ये तस्वीर क्लियर की गई है कि 15 करोड़ नहीं है रिया के खाते में। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, ये एक बड़ी जानकारी ईडी सूत्रों से मिली है कि जो 15 करोड़ रुपए सुशांत के बैंक अकाउंट से निकले थे, जिनके आरोप लगे थे, वो रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट में नहीं मिले हैं। तो अब ईडी को ये बात खटक रही कि कहीं कोई शेल कंपनियां तो नहीं शोभिक और रिया चक्रवर्ती ने बनाई थी और उन कंपनियों में पैसा रूट किया गया है। इसीलिए कल शोभिक को पूछताछ के लिए सम्मन किया था और आज फिर शोभिक से सेपरेट ईडी पूछताछ कर रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि जो उनकी रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक की जो कंपनी थी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी जो RTR है उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर कुछ शंका थी, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। और अहम जानकारी एक ये भी मिली ईडी के अधिकारियों से कि कल जब दोनों भाई बहनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की थी तो उन्होंने एजेंसी को बरगलाने की कोशिश की थी, मिसगाइड करने की कोशिश की थी। इसलिए ईडी ने अब अलग अलग दोनों जो भाई और बहन है उन्हें अलग अलग पूछताछ के लिए समय दिया है। सोमवार को, अगले सोमवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी दूसरी बार और आज शोभिक से दूसरी बार पूछताछ हो रही है। और दोनों के स्टेटमेंट में अगर विरोधाभास नजर आता है तो फिर दोनों को सामने बिठाकर उनसे कन्फर्ट कराया जाएगा। तो अभी अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो 15 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी बिहार पुलिस ने जिसपे FIR दर्ज की थी, अब CBI और ईडी जिस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं वो 15 करोड़ रुपए कहाँ पे रूट हुआ है, क्या कोई सेल कंपनियां बनाई गई थी। क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि 2019 से 2020 के बीच जो कंपनियों के बैंक खाते थे रिया चक्रवर्ती और शोभिक के, उनमें कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ था, लेन देन नहीं हुआ था। तो ये बात भी ईडी को खटक रही है कि वो कंपनियां क्यों बनाई गई जब उसमें कोई पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो बिल्कुल आनंद, आप नजर बनाए रखिए। रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती आज एक बार फिर मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। कल भी ईडी ने शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की थी जिनके साथ रिया भी मौजूद थी। रिया से 9 घंटे की ये पूछताछ हुई थी जिसके बाद ये जानकारी ईडी के सूत्रों के माध्यम से मिल रही है कि बहुत सारी बातें छिपाई जा रही थी, बरगलाने की कोशिश हो रही थी। और इसीलिए ईडी ने अभी ये तय किया कि शोभिक और रिया दोनों को अलग अलग उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी और उसके बाद अगर दोनों के बयानों में कोई अंतर आता है तो उसके बाद
बाद उन्हें साथ बैठाकर भी पूछताछ होगी। तो श्रोविक चक्रवर्ती फिलहाल ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है लेन देन को लेकर, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो कंपनियां श्रोविक चक्रवर्ती की बनी है उसमें ये कहा जा रहा है कि पैसों का लेन देन ही नहीं हुआ। अगर पैसों का लेन देन नहीं हुआ है तो वो कंपनियां क्यों बनी है, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी गहराता जा रहा है, जिसका जवाब ईडी अब तलाशने की कोशिश कर रही है। सुशांत केस में पैसों के लेन देन के मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। सुशांत केस में आज ईडी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगा। सिद्धार्थ पिठानी 14 जून के सुशांत की मौत वाले दिन उनके फ्लैट पर मौजूद थे और उन्होंने ही सुशांत की मौत की खबर उनके परिवार वालों को दी थी। तो सिद्धार्थ पिठानी से भी इस पूरे मामले पर पूछताछ होगी। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि श्रोविक और सिद्धार्थ को साथ बैठाकर भी पूछताछ हो सकती है इन पहलुओं पर ईडी की तरफ से, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि पूछताछ का ये जो सिलसिला है ये अभी और चलेगा, क्योंकि रिया से भी एक बार फिर अभी पूछताछ होनी, उनके पिता को भी बुलाया गया है और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी से भी अब पूछताछ होगी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में आज ईडी उनके दोस्त और रिया के भी करीबी माने जाने वाले सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करेगी। इस मामले में दो दिन पहले ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी किया था और मुंबई के इसी दफ्तर में, जो कि बलाड स्टेट इलाके में ईडी का ये दफ्तर है, इसी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया है। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ पिठानी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। कल इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से यहां पर ईडी ने पूछताछ की थी और इसके बाद आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे और उनके रिया से करीबी होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इतना ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उस वक्त घर में मौजूद थे और साथ ही साथ उन्हें इस चीज की भी जानकारी है कि आखिर घर में चलता क्या था, रिया किस तरह से जो है घर को कंट्रोल करती थी और साथ ही साथ जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे, ये तमाम जानकारी लेने की कोशिश ईडी इस पूरे मामले में करेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से सुशांत केस में बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के पिता ने रिया की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उस याचिका को खारिज करने की मांग की है, जिसमें रिया ने सुशांत मामले में पटना में खुद पर दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में सुशांत के पिता ने कहा कि पटना में दर्ज FIR को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है। तो आपको बता दें, रिया की इस याचिका पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दिए जवाब में सुशांत के पिता ने कहा है कि पटना में दर्ज जो FIR है उसको मुंबई ट्रांसफर करने की मांग जो है वो सही नहीं है। हालांकि रिया से जो पूछताछ हो रही है उसमें कई बार वो इस अर्जी का जिक्र भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है और उसके बाद ही वो अपनी बातों को खुलकर रख पाएंगी और वो चाह रही है कि जो केस यानी जो FIR बिहार में दर्ज हुई है वो दरअसल ट्रांसफर हो जाए मुंबई में, और इसी के लिए उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके जवाब में एक दायर की गई है याचिका सुशांत के पिता के द्वारा, जिसमें कहा गया कि ये जो मांग है वो सही नहीं है। सुशांत के बैंक खातों से 15 करोड़ रुपए निकालने के आरोपों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती ने आज एक बॉटल की तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर के जरिए रिया ने दावा किया कि उनके पास सुशांत की बस यही एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। इसके साथ ही रिया ने एक हाथ से कुछ लाइनें लिखी डायरी का एक पन्ना भी शेयर किया, जिस पर रिया का दावा है कि ये लाइनें खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में उनके परिवार के बारे में लिखी थी। इस पन्ने के जरिए रिया ने सुशांत के साथ अपने और अपने परिवार के अच्छे रिश्ते दिखाने की कोशिश की है। तो रिया चक्रवर्ती, जिनसे कल ही ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ की थी, उसके बाद आज उन्होंने सोशल मीडिया पर दरअसल ये 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक में आपको बोतल नजर आ रही होंगी, जिस पर वो दावा कर रही हैं कि सुशांत की प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये बोतल ही उनके पास है, जिसमें आप हैशटैग छिछोरे देख रहे होंगे लिखा हुआ है, ये बोतल ही वो बता रही है सिर्फ उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर है। वहीं दूसरी तस्वीर उन्होंने शेयर की है डायरी के एक पन्ने की, ये तस्वीर है जिस पर उनका दावा है कि राइटिंग जो है वो सुशांत की है और सुशांत
ने इसमें उनके और उनके परिवार वालों के बारे में लिखा है, और इस तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके संबंध सुशांत से अच्छे थे, उनके परिवार के संबंध भी सुशांत के साथ अच्छे थे। मैं गुजरात के वलसाड में एक बायोकेमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। आग इतनी भयंकर है कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। काला धुआं जो उठता हुआ आप देख रहे होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां आग कितनी जोरदार तरीके से लगी होगी, किन वजहों से लगी। आपको बता दें, गुजरात के वलसाड में दरअसल एक बायोकेमिकल फैक्ट्री में यह आग लगी है। वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आग इतनी भयंकर है कि उसका धुआं आप कई किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इस फैक्ट्री में लगी इस आग को बुझाया जा सके। तो गुजरात के वलसाड की तस्वीर देख रहे हैं आप, काला धुआं ये उठता हुआ नजर आ रहा है, और केमिकल बायोकेमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है ये जिसमें आग लगी है। क्या अंदर मजदूर भी मौजूद थे, कर्मचारी भी मौजूद थे, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। किन वजहों से ये आग लगी, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, ये आग कैसे लगी, कोई अंदर भी मौजूद है क्या? देखिए, अब तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक फिलहाल फायर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, कि ये प्राइमरी जानकारी है। अभी एफएसएल की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा असली कारण क्या था आग के पीछे। लेकिन वापिका जीआईडीसी इलाका है जिसमें शक्ति बायोसाइंस नाम की एक कंपनी है जो केमिकल चीजें बनाती है, उसमें ये आग लगी थी। और अभी बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा फायर फाइटर मौके पर है, आग बुझाने का काम चल रहा है। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि आग आसपास ना फैले, क्योंकि आज जीआईडी से होने के चलते बाकी भी कई यूनिट्स हैं, उसमें भी केमिकल और बाकी चीजें जो बनती है और वो आग आसपास के यूनिट में फैलती है, तो ये आग और ज्यादा बड़ी हो सकती है। उसको रोकने की पहली कोशिश है उसको कूलिंग प्रोसेस ज्यादा शुरू किया जाए, तो दमकल कर्मियों की ओर से पहले तो उसी इलाके को जो फायर शक्ति बायोसाइंस नाम की कंपनी है उसको ही कूलिंग ऑफ करके उसका जो आग का आग और धुआं दोनों है उसको कंट्रोल करने की कोशिश अभी 6 दमकल कर्मियों की ओर से हो रही है। जनक, आप जैसी जानकारी दे रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिश यहाँ युद्ध स्तर पर हो रही है, कोई ऐसी जानकारी भी है कि क्या फैक्ट्री उस वक्त खुली हुई थी, उसमें कर्मचारी थे, कोई लोग मौजूद थे, ऐसी कोई जानकारी? कोई हताहत की जानकारी नहीं है, और ये जब आग लगी बताया जा रहा थी लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए थे, लेकिन अभी अंदर कोई फंसा है या नहीं उस तरीके की जानकारी अब तक सामने नहीं आ रही है। थोड़ी देर में पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। शक्ति बायोसाइंस नाम की ये कंपनी और उसमें काम चल रहा था, फैक्ट्री चालू थी और उसी वक्त ये आग लगी थी। अब ये आग लगने की प्रमुख वजह, जैसे मैंने पहले कहा कि शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, पर हो सकता है बॉयलर ब्लास्ट भी हो सकता है। लोग आग लगी उसके बाद लोग बाहर निकले थे, तो ऐसे में दमकल कर्मी जब पूरी तरह से आग काबू में कर पाएंगे, और अभी कोई अंदर है कि नहीं इसके मामले में भी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। जनक, जरा बताइए कि ये जो इलाका है जहां पर ये फैक्ट्री है, जहां ये आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये इलाका कैसा है, क्योंकि ये भी खतरा बढ़ गया है, आग जल्द से जल्द काबू की जाए, नहीं तो ये आसपास की जो जगह है उन पर भी फैल सकती है आग। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि हर शहर में एक जीआईडीसी होता है, तो इसमें भी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो जीआईडीसी बोलते हैं, जहाँ पर इस तरह के यूनिट्स होते हैं जिसमें केमिकल यूनिट्स भी कई बार होते हैं, बाकी भी प्लास्टिक और बाकी चीजें भी बनती है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो होते हैं उसको जीआईडीसी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है जगह। और ये इलाका भी वही वापिका जीआईडीसी इलाका है जहाँ पर तरह तरह की फैक्ट्री है, चाहे वो केमिकल बनाती हो, चाहे फैक्ट्री प्लास्टिक चीजें बनाती हो, तरह तरह की चीजें वहां पर बनती है। तो मैंने जिस तरीके से आपको कहा उसी तरीके से सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि उस आग को बाकी के यूनिट तक न पहुंचने दिया जाए, किसी भी तरीके से उसको काबू में किया जाए। अगर ये आस पास के यूनिट तक पहुंचती है तो ये आग और भयावह हो सकती है और वो स्थिति पैदा ना हो उसके चलते जो वापी की जो जीआईडीसी इलाके की 6 दमकल गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है और कूलिंग के साथ साथ बाकी चीजें, क्योंकि केमिकल होने पर आग पानी से आग नहीं बुझाया जाता, उसके लिए विशेष केमिकल आते हैं, वो लिक्विड आते हैं, उससे आग पर काबू पाने की कोशिश। जनक, आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर केरल के कोझिकोड में हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। डीजीसीए के मुताबिक डिजिटल डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी हादसे वाली जगह पर मिल गए हैं। डीजीसीए ने भी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उड्डयन मंत्रालय का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए दो जांच टीमें कोझिकोड पहुंच चुकी हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत यह विमान दुबई से लौटा था। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री, 4 केबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। वो बहुत ट्राई किया, एक बार तुरंत वो ट्राई किया नीचे उतरने का, फिर उसको सिचुएशन बराबर नहीं, फिर भी उठ गया। सेकंड टाइम में उठना टाइम उनको आके टायर क्या बोल रहे है, स्किड हो गया बोल रहे, लेकिन बहुत लेफ्ट साइड बहुत बड़ा गर्दन था, बोल रहे 36 फीट का ऊपर था गर्दन। उसी में सडन ब्रेक हो गया, सब लोग बेल्ट पहनता था, सब लोग हम लोग क्या की कर दिया, सामने का सीट में हाथ दे के उसमें हम सेल्फ बचाने की कोशिश किया। अभी क्या गर्दन में चला गया, फ्रेट आधा हो गया, ओपन हो गया। वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैंने फेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पर फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक लाने रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। बाकी मैं जानकारी, मैं अभी खुद जा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में हमेशा ये ठीक समझा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के लोग होते हैं उनको पहले काम करने देना चाहिए। इसलिए हमारी जो दो टीम्स है, एक 2 बजे सुबह, एक 5 बजे निकल पड़ी है। ये जो हादसा हुआ, विमान हादसा, बड़ा हादसा है, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, दोनों कप्तान जो हैं, एक तो बहुत ही सीनियर कैप्टन हैं और दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जो थे। कल की, एक तो बता दें, इस हवाई अड्डे में 9000 फीट के आसपास का हवाई अड्डा है। कल का मौसम बारिश का, भयंकर बारिश था और एक बार मिस्ड अप्रोच हुआ, फिर दोबारा उतरने का प्रयास किया कप्तान ने, और परिस्थितियां क्या थी उस समय उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता, लेकिन संभावित तौर से, क्योंकि बारिश अधिक होने के कारण, और हो सकता है उस समय विंड शेयर भी मिला हो। विंड शेयर एक ऐसा विषय होता है जो जहाज के उतरते समय वायु का दिशा बहुत जोर से बारिश के समय बदलता है, जिसके कारण जहाज अपने आप गिरता है। दूसरी संभावना है कि क्योंकि उतरने आ रहे थे तो पावर इतना कम था कि वो फिर दोबारा अगर उड़ने का उन्होंने प्रयास किया होगा वापस गो अराउंड करने का, तो उसकी संभावना थी। और तीसरा है कि पूंछ की तरफ से हवा का वेग अगर मिलता है तो कई बार जहाज अपने स्थान से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि ये कप्तान बहुत अनुभवी थे। इसलिए ये मानना कि उन्होंने परिस्थितियों को नहीं समझा होगा, ये बिल्कुल अनुचित होगा। लेकिन कई बार कप्तान के प्रयास के बाद भी ये दुर्घटना है और दुखद है और संवेदना है कप्तानों के परिवारों के प्रति, कप्तानों के प्रति और उन यात्रियों के लिए जो जख्मी हुए, जिनकी मृत्यु हुई। केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। खबर आ रही है कि विमान के पायलट दीपक वसंत साठे की सूझबूझ से विमान में सवार 190 में से 172 लोगों की जान बच गई। पायलट दीपक वसंत साठे के साथ सहायक पायलट अखिलेश शर्मा ने भी यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। केरला के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हुई है, उनमें से एक है
विमान के पायलट दीपक साठे, और दीपक साठे मुंबई के चांदिवली इलाके के इसी इमारत में रहते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि विमान का हादसा हुआ है जिसमें दीपक साठे, जो खुद पायलट रह चुके हैं और एयरफोर्स के जाबाज ऑफिसर रह चुके हैं, वो भी इस विमान हादसे में घायल हो चुके हैं, तो उनके परिवार वाले जो है वो आज सुबह की 4 बजे की फ़्लाइट लेकर केरल पहुंच चुके हैं, और दीपक साठे जो है उनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। परिवार वाले जो उनकी पत्नी और उनके पत्नी के जो भाई है वो सुबह 4 बजे ही केरल पहुंच चुके हैं, और ये विमान हादसे को लेकर उनकी इमारत में रहने वाले उनके जो नेबर्स हैं काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब बोला नहीं जाता मेरे से, बस परमात्मा क्या बोल सकते हम भी, बस अपने आई कार्ड से मोड़ परमात्मा, वो अच्छे लोग देखे नहीं जाते, क्या कर सकते हैं। मनी कंट्रोल प्रो के साथ वित्तीय आजादी का जश्न मनाएं। असली वित्तीय आजादी के लिए प्रो से जुड़े, सिर्फ 1 रुपए में मनी कंट्रोल प्रो से जुड़े और 1500 रुपए तक का एक्सक्लूसिव बेनिफिट पाएं।